अब हमने गिटार के पार्ट्स देखे, तो अब जो गिटार को बजाने की बारी आती है, तो गिटार बजाने से पहले हमें उसके पोस्चर पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पोस्चर सही नहीं होगा तो आप गिटार प्रॉपर तरीके से नहीं बजा पाएंगे। कई गिटारिस्ट की को जो अच्छे अच्छे सीखे हुए भी होते हैं और जो सीख रहे हैं, उनको भी एक दिक्कत होती है कि ये स्ट्रिंग्स अच्छे से प्ले नहीं होती हैं, मतलब पूरा प्रेशर नहीं लगता है और आगे जितने कॉर्ड्स होते हैं वो बज नहीं पाते, गिटार काफ़ी दबा हुआ साउंड करता है। ये सिर्फ एक कारण की वजह से होता है कि आपका जो पोस्चर है वो सही नहीं है। और पोस्चर में मेन चीज़ें क्या क्या आती हैं, आपका खुद का बॉडी पोस्चर भी, आप गिटार को कैसे भी रखें पर आप ऐसे ढीले बैठे हैं या फिर आपका हाथ ढीला है तो वो सही नहीं रहता है बजाने के टाइम पे। मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके पोस्चर बताऊँगा। आप जैसे देखेंगे कि अगर ये गिटार है तो यहाँ पर स्लोप्स हैं, है ना, ये कर्व्स दे रखे हैं यहाँ पर, इधर भी और इधर भी। अगर कोई लेफ्टी है तो लेफ्टी भी सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, यहाँ पे अगर राइट आप राइटी हैं तो आप राइटी, आपके जो राइट थाई है, जैसे मैंने मेरी राइट थाई पर इसको रखा है, और लेफ्टी हैं तो लेफ्ट थाई पर, क्योंकि सेम स्लोप हमें गिटार के ऊपर भी मिलता है। तो आप राइट हैं तो राइट थाई पे आप अपना गिटार प्लेस करेंगे उन्हीं स्लोप्स के बीच में, ठीक है, और जितना हो सके इसको आपकी बॉडी के पास रखेंगे, ठीक है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आपके चेस्ट तक आना चाहिए, तो गिटार थोड़ा सीधा और स्टेबल होगा। अब स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गिटार की। आप गिटार को ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप इधर नहीं झुका सकते गिटार को। आपको मेन स्टेबिलिटी के लिए क्या, आपका अगर राइट आप हैं तो राइट ही हैंड जो आपका है, जिसे आप राइट हैंड से लिखते हैं, तो ये जो आपका एरिया है, जो शोल्डर से मसल एरिया है, वहाँ पर आपको ये साउंड बॉडी के ऊपर हाथ रखना है, ठीक है। साउंड बॉडी से लेकर यहाँ पर आपका ये शोल्डर बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। और गिटार का अगर बैलेंसिंग की मैं बात करूँ, तो बैलेंसिंग में आपको बैलेंस यहाँ से ही करना है गिटार को, आपको यहाँ से बैलेंस नहीं करना है। ये अगर आप फ्रेट बोर्ड को पकड़ेंगे ऐसे तो फिर आप बजा नहीं पाएंगे, आप यहाँ से बैलेंस नहीं कर सकते, आप बजाने से यहाँ पे फ्री नहीं हो पाएंगे। तो आपको बैलेंस कहाँ से करना है, आपको इस राइट हैंड से बैलेंस करना है। अब राइट हैंड से कैसे बैलेंस करना है, जैसे मैंने मेरे हाथ छोड़ दिया, हम फ्री हैंडेड, ठीक है, तो ये गिटार बैलेंस्ड है, ये गिटार कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। मैं इसको अगर इधर उधर करूँ तो जाएगा, बाकी आपको यहाँ पे एक बैलेंस्ड फोर्स लगाना है आपके इस राइट हैंड से। और लेफ्ट हैंड वालों को भी सेम प्रोसीजर से लेफ्ट हैंड से अपने साउंड बॉक्स पे फोर्स लगाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगा रखा है, अब मैंने ना ज़्यादा लगा रखा है ना कम लगा रखा है, अगर ज़्यादा लगाऊंगा तो इधर जाएगा गिटार, कम लगाऊंगा तो नीचे गिर जाएगा। तो एकदम बराबर तरीके से फोर्स लगाना है, ये पहली चीज़ है। एटलीस्ट आपको ये बैलेंसिंग बनानी होगी, अगर विदाउट ये बैलेंस आपने नहीं किया तो आपका गिटार, आप सोच सकते हैं कि आप अभी चालू नहीं कर सकते गिटार बजाना। ये जब तक बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं होगी, जब तक पोस्चर प्रॉपर नहीं होगा, तब तक गिटार बजाना मुश्किल है। अगर आप जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज़ें होती हैं, आप बेसिक्स से अगर उसको नहीं सीखते, बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप आगे की चीज़ें उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आगे की चीज़ों में प्रॉब्लम्स आएंगी। कई ऐसे, अगर आपको 2+2 नहीं आता तो आप आगे के फार्मूलाज कैसे करेंगे मैथ्स में। तो ये वही चीज़ है कि आप जितने हो सके बेसिक्स को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करें, तो पोस्चर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। पोस्चर अगर आपका सही नहीं है तो गिटार अच्छे से नहीं बजेगा। तो ये बेसिक पोस्चर है और यही आपका मेन पोस्चर भी है। मैं अभी बैठे बैठे आपको बता रहा हूँ, जब खड़े होते हैं तब तो आपके पास स्ट्रैप होता है जो गिटार पे टक होता है, वो आपके गले में आता है, उससे वो अलग सिचुएशन होती है, वहाँ पर आप खुद एडजस्ट कर पाते हैं गिटार को अपने से। बट यहाँ पर जब आप बैठे हैं तब आपको पोस्चर का मेन ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप मेरा पोस्चर देख पा रहे होंगे कि ये थाई पे और बैलेंसिंग यहाँ पे पूरी आ रही है। अब इस हाथ की अभी कोई काम नहीं है, अभी मैं फर्स्ट लेसन में आपको पहले ही कह रहा हूँ कि इस हाथ का अभी कोई काम नहीं है, इस हाथ को अभी आप यूज़ मत कीजिएगा। अभी मेन आपको क्या, आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड से आपको गिटार को प्ले करना है, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, अगर आप गिटार को प्ले करना चाहते हैं तो कई सारे तरीके होते हैं, लाइक कुछ थंब पिक्स आती हैं, कुछ नेल्स बड़े कर लेते हैं कई गिटारिस्ट, आप हाथों से बजा सकते हैं, फिंगर टिप से बजा सकते हैं, बट एक सेफ तरीका है, उसको हम बोलते हैं पिक। ये ट्रायंगुलर शेप्ड आप देख रहे होंगे, प्लास्टिक की होती है, इसको हम बोलते हैं पिक, ठीक है।
ये पिक क्या काम आती है, आपको गिटार प्ले करने में मदद करती है, क्योंकि ये बनी ही उस चीज़ के लिए है। कई सारे लोग जो फिंगर से बजाते हैं या फिर नेल्स अपने बड़े कर लेते हैं, नाखून बड़े कर लेते हैं, तो वो मेरे मायने में सही चीज़ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए बनी है आप उससे प्ले करेंगे तो अच्छा साउंड आता है। अगर आप हाथों से प्ले करेंगे तो एक प्रॉपर साउंड आपको कभी नहीं मिल पाएगा गिटार का, बट आप जब पिक से प्ले करेंगे तो एक अच्छा भरा हुआ साउंड मिलता है और बजाने में भी आसानी रहती है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पोस्चर बताया, पोस्चर बताने के अलावा अगर आप पिक यूज़ करते हैं तो पिक का भी पकड़ने का एक बहुत सिस्टमैटिक वे है। लाइक अगर मैं मेरा हाथ देखें आप, कि मैं इसको ऐसे बिल्कुल एक मुट्ठी बना लूँ, है ना, और अंगूठा बाहर रखूँ और अंगूठे को वापस टक कर लूँ, तो ये एक फॉर्मेशन बनती है आपके हाथ की। तो इसी में पिक भी आएगी। कैसे कि आप पिक को देख रहे होंगे, पिक एक ट्राइंगुलर शेप्ड चीज़ है, तो जो पॉइंटेड हिस्सा है, जहाँ आपको सबसे पॉइंटेड हिस्सा जो दिखेगा उसको आपको बाहर रखना है, और जो पॉइंटेड के जो अपोजिट हिस्सा है यानी सबसे छोटा वाला जो साइड है उसको आपके अंगूठे और उंगली के बीच में रखना है। कैसे, जैसे मैंने हाथ वापस बंद किया, ऐसे किया, तो ये यहाँ पे इस तरह से आएगी पिक। आप देख सकते हैं कि मेरा पॉइंटेड हिस्सा बाहर है और मैंने अंगूठे से और मेरी पहली उंगली से इसको पकड़ा हुआ है, ये। तो यही ग्रिप सबसे मेन रहती है, कि आप ये ग्रिप बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ना इससे पिक छूटेगी, ना इससे पिक टूटेगी, ना इसके अंदर गिटार के अंदर जा सकती है पिक। ये सबसे बेस्ट वे है गिटार को प्ले करने का, ये एक प्रॉपर वे है पिक को पकड़ने का, ठीक है। इससे आपको प्रॉपर एक साउंड मिलेगा, है ना। पिक ना, अगर पिक ना यूज़ करें आप तो भी आपके गिटार को अच्छा साउंड नहीं मिलेगा। और अगर आप नेल्स यूज़ कर लें, नेल्स काफ़ी सारे जने ये कहते हैं कि ज़्यादा आसानी होती है नेल्स से अगर आप नाखून बढ़ाते हैं तो, बट ऐसा कुछ नहीं है, नेल्स से भी वैसा ही साउंड मिलेगा आपको। अगर आप पिक को चौड़ी कर दो, ऐसे पिक को बिल्कुल ऐसे मोड़ दो, तो आपको वैसा साउंड मिलेगा, बट एक प्रॉपर साउंड नहीं मिल पाएगा। तो प्रॉपर साउंड के लिए आपको पिक यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अब आपको गिटार से इंट्रोड्यूस मैंने करा दिया है, उसके अलावा फिर पोस्चर बता दिया, पिक पकड़ने का तरीका बता दिया, अब स्टार्ट कैसे करें गिटार को सीखना, तो अब उस टॉपिक पर आते हैं। और गिटार चालू करने से पहले मैंने आपको बताया कि आपको वो जो दो मैंने स्टेप्स बताए हैं, एक तो पिक को पकड़ना और एक पोस्चर, वो जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस स्टेप पे मत आइएगा, ठीक है। तो ये आपकी पिंकी फिंगर होती है ना, सबसे छोटी वाली फिंगर, वो आपके साउंड होल के नीचे आएगी। आपने पिक पकड़ ली है तो साउंड होल के नीचे ये फिंगर आती है, और जो पिक है आपने उसको पकड़ रखा है, और एक एक स्ट्रिंग को आपको प्ले करना है, एक एक स्ट्रिंग को धीरे धीरे। एक एक स्ट्रिंग को, और इसमें भी ऊपर से प्ले करना है, मतलब स्ट्रिंग का जो ऊपरी भाग है वहां से प्ले करना है आपको। ठीक है, वापस देखिए, अब जब आपको वापस नीचे से ऊपर जाना हो तो आप नीचे से, जैसे मैंने ऊपर से ऊपर मारा, यानी ऊपर वाली स्ट्रिंग के ऊपर मारा, जब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, अब नीचे से ऊपर आऊंगा तो मैं नीचे से मारूंगा, वापस देखिए। अब ये दो एक्सरसाइजेज आपको प्रैक्टिस करनी है, मेन तौर पर यही सब कुछ है, यही बेसिक्स है। जब तक आपको स्ट्रिंग पर आपकी पिक चलाना नहीं आएगा तब तक आप गिटार अच्छे से नहीं प्ले कर पाएंगे, तो ये मेन चीज़ है। इसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें आप, एक एक दो दो घंटा एटलीस्ट अगर आप बिगनर हैं तो, और ये बिना देखे आपको आना चाहिए। आप अभी मैं स्ट्रिंग को देख रहा हूँ, अगर मैं बिना देखे करूँगा तो इसका मतलब आपका थोड़ा बहुत हाथ जम गया है, तो हाथ जमा हुआ जितना गिटार पे होगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हाथ जमाने में वक्त लगता है, तो वैसे ही आपको गिटार पे भी हाथ जमाने में वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप दो दिन इसकी प्रैक्टिस करें और छोड़ दें, इसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना। ये दो एक्सरसाइजेज हैं कि आप एक बार तो नीचे जाएंगे और एक बार नीचे से ऊपर, ठीक है।
ठीक है। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको जितना हो सके उतना धीरे करनी है एक बार, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाइएगा, ज़्यादा जल्दी भी नहीं इसको करना है। इसको एक एक स्ट्रिंग को आपको आप देख लीजिए कि एक्सप्लोर करना है कि वो स्ट्रिंग प्ले कैसे होगी। एक आपका अगर गिटार है आपके पास तो आपके गिटार की स्ट्रिंग्स अलग अलग होती हैं सबकी, तो उसको प्ले करने का तरीका, उसको बजाने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो वो आपको जितना आप उस गिटार पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आ पाएगा आपको। ये हम ऊपर से नीचे गए तो ऊपर से मैंने स्ट्रोक लगाया कैसे। अब हम नीचे से ऊपर आएंगे तो ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलर, और आप बिगनर हैं तो रेगुलर करनी है। अगर आपका कुछ भी आपको कोई दिक्कत आ रही है कि मेरा गिटार नहीं बज पा रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी फिंगर टिप्स पे स्ट्रेन पड़ रहा है, जो सीखे हुए उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपके पोस्चर का ध्यान दें कि अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो इसका मतलब ये दिक्कतें आएंगी। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपकी फिंगर टिप्स बिल्कुल हर्ट ना हो अगर कोई सीखा हुआ है जो बजा रहा है, बट आपके जो पोस्चर है उसको ज़्यादा मेन आप रखें कि आप जितना हो सके उस पर फोकस करें, और पिक से बजाते हैं तो पिक पे भी फोकस करें। तो इतना ही आज के लेसन में। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको गिटार की कुछ थ्योरीज के बारे में बताऊंगा, लाइक आप इन स्ट्रिंग्स के नाम क्या बोल सकते हैं, इनको याद करने का तरीका क्या है। तो आप अगर ये आपने क्लियर कर लिया है, एक बार ये आपने एपिसोड अच्छे से कवर किया है, तो आप नेक्स्ट एपिसोड पर जा सकते हैं और वहाँ पर जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको समझें, फिर उसके बाद आपके इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और अच्छे से सीखते रहें गिटार को अच्छे से। एक अच्छा एक मुकाम है कि अगर आप गिटारिस्ट बनते हैं तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि गिटार बजाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, काफ़ी सारे आपको इम्प्रेशन मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा। तो अगर उस अट्रैक्शन की बात भी है तो उसके लिए प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करते रहें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, और देखते रहिए संगीत प्रभा वर्ल्ड चैनल्स।